हेलो स्टूडेंट्स पुनः स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में और आज के इस वीडियो सेशन में हम अगेन कवर करेंगे ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर थ्री इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ये हमारा पार्ट टू रहेगा और इससे पहले हमने पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड किया है आपने उम्मीद करता हूँ कि उस पार्ट को अच्छे से देख लिया होगा और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस वीडियो का लिंक सभी ट्वेल्थ स्टूडेंट्स के पास में शेयर कर देंगे जो भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो सेशन में अगेन हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो आपकी बोर्ड की प्रीवियस ईयर्स की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि ये आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है संभावना है तो चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स को जोड़ लीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के और विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम तो चलिए जल्दी से सभी लो, को, लोगों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं इसमें एक क्वेश्चन दिया है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से लिया गया है क्वेश्चन और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है तो अभी इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं सो so दैट so आपको पूरा फोकस क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखिए क्या है कि एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रतिरोध जीरो डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तीन ओम तथा हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर थ्री पॉइंट सेवन फाइव ओम है किसी अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध थ्री पॉइंट वन फाइव ओम है तो अज्ञात ताप का मान ज्ञात कीजिए तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो भी चीज़ दी हुई होती है उसको सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है क्या क्या दिया है लिख सकते हैं कि दिया है या गिवन है इंग्लिश वर्जन वाले लिख सकते हैं तो यहाँ पर आर जीरो इजगल टू क्या है थ्री ओम है और आर हंड्रेड मतलब हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो थ्री पॉइंट सेवन फाइव ओम और वहीं पर यदि टी डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा दिया है थ्री पॉइंट वन फाइव तो अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है टी का मान निकालना है तो अज्ञात ताप का मान निकालना है तो देखिए अज्ञात ताप का एक फॉर्मूला होता है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के लिए अज्ञात ताप यानी कि टी की जो वैल्यू होती है वो होती है फॉर्मूले में हमारी आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर हंड्रेड माइनस आर जीरो और यहाँ पर करेंगे हम हंड्रेड की मल्टीप्लाई और इसका जो आंसर आएगा वो किस में निकल के आएगा जीरो डिग्री सेंटीग्रेड में निकल के आएगा। तो सिंपली ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है केवल आपको फार्मूला आना चाहिए और फिजिक्स में यदि आपको न्यूमेरिकल्स के ऊपर पकड़ बनानी है तो आपको फार्मूले को रिवाइज़ करके ही एग्ज़ाम में जाना पड़ेगा और अच्छे से सभी फार्मूले को लर्न करना पड़ेगा क्योंकि विदाउट फार्मूला आप यहाँ पर न्यूमेरिकल बनाने में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तो चलिए यहाँ पर आप देखिए सीधे सीधे हम इसकी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं तो टी डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारी वैल्यू है थ्री पॉइंट वन फाइव और यहाँ पर माइनस आर जीरो की वैल्यू है थ्री ओम और अपॉन हमारा आएगा आर हंड्रेड पर है थ्री पॉइंट सेवन फाइव और माइनस आर जीरो की वैल्यू अभी जो ऊपर लिखी है वही सेम है और इन टू हंड्रेड की मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस आंसर विल कम इन डिग्री सेंटीग्रेड तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारा हमारा आएगा जीरो पॉइंट वन फाइव अपॉन यहाँ पर नीचे आएगा आपका जीरो पॉइंट सेवन फाइव और यहाँ पर हो जाएगी आपकी हंड्रेड की मल्टीप्लाई जीरो डिग्री सेंटीग्रेड तो यहाँ से देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गया और पंद्रह पंद्रह पिछहत्तर यानी कि फाइव टाइम्स फाइव से इसको काटा है ट्वेंटी टाइम्स तो ये आ गया आपका ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि जो अज्ञात तापमान है वो हमारा आ गया ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि एकदम आपको समझ आ गया होगा यदि आपको समझ आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर देंगे सो so दैट उन सभी स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा Uh, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो में सेशन में मैंने लिए हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है सभी बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन के पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है तो आप जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम के लिए पहले से ही प्रिपरेशन करके रखेंगे तो आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है साठ वाट और तीस वोल्ट के बल्ब को नब्बे वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर हमें एक बल्ब को साठ वाट का बल्ब है और तीस वोल्ट वोल्ट के बल्ब को यानी कि साठ वाट और तीस वोल्ट के बल्ब को नब्बे वोल्ट के सप्लाई पर जलाना है तो श्रेणी क्रम में मतलब कितना आ, प्रतिरोध जोड़े वो मान हमें ज्ञात करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि श्रेणी क्रम में जो जोड़ा गया प्रतिरोध है वो क्या है आर ओम का है तो माना आर ओम के प्रतिरोध को के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं क्रम में जोड़ते हैं और फिर इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए इसको जोड़ते हैं तो सबसे पहले हम परिपथ में बहने वाली धारा का मान कैलकुलेट कर लेते हैं और हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला हमारा होता है पीइ गल टू वी आई और P इज गल टू वी आई से आईज गल टू क्या हो जाएगा हमारा P अपोन वी सिंपल फॉर्मूला है ये आपको बेसिक फॉर्मूला मैंने जब स्टार्टिंग वाला पहला पार्ट अपलोड किया था इसी चैप्टर का तो उसमें आपको रिवाइज़ कराए थे तो यहाँ पर आप देख सकते हो P की वैल्यू हमारी दिया है 60 वाट पी की वैल्यू यानी कि पावर की वैल्यू कितना दिया है साठ वॉट दिया है और वोल्टेज का मान कितना दिया है यहाँ पर आप देख सकते हो तीस वोल्ट का मान दिया है तो जैसे हम इसको कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा टू एमपियर क्या आएगा हमारा टू एम्पियर की धारा यानी कि परिपथ में धारा का मान हमने निकाल लिया अभी हमें क्या आवश्यकता है कि परिपथ का हम हम प्रतिरोध निकाल लेते हैं सो so तभी हम पता करेंगे ना कि उसके साथ में श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़े तो इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले प्रतिरोध निकाल लेते हैं किसका परिपथ का परिपथ का सर्किट रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वी हैव टू कैलकुलेट रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट तो, तो परिपथ का यहां पर प्रतिरोध निकालिए प्रतिरोध तो देखिए यहाँ पर परिपथ का यदि प्रतिरोध निकालना है तो सेम एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि वी स्क्वायर अपोन पी यानी कि पी और वी के टर्म में पी और वी के टर्म में जो फॉर्मूला बताया था वो था हमारा क्या वी स्क्वायर अपोन पी का फॉर्मूला तो वी स्क्वायर की जगह अभी वही तीस है हमारा तो थर्टी इंटू थर्टी अपोन पी की वैल्यू क्या है सिक्सटी है तो कट कर लीजिए तीस दूनी साठ और पंद्रह दूनी तीस यानी कि फिफ्टीन ओम कितना है हमारा परिपथ का रेजिस्टेंस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है पंद्रह ओम अभी देखें इस पंद्रह ओम को हमें क्या करना है इसके श्रेणी क्रम में कोई आर प्रतिरोध जोड़ना है तो इसके लिए क्या करेंगे कि परिपथ में धारा या परिपथ की जो धारा है परिपथ में जो धारा है वो किसके बराबर होगी धारा आई का मान किसके बराबर होगा आई इज गल्टू परिपथ में परिपथ में लगे स्रोत का जो विद्युत वाहक बल होता है उसके अपूर्ण इसका क्या होगा कि परिपथ का कुल प्रतिरोध अब कुल प्रतिरोध में आर तो परिपथ का प्रतिरोध है और इसके साथ में हमें श्रेणी क्रम में एक आर प्रतिरोध और ऐड करना है क्योंकि यही तो हमने शुरू में लिखा था कि माना आर प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो उसको डायरेक्ट जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं तो देखिए आई का मान तो मैंने ऊपर इसलिए कैलकुलेट किया था स्टार्टिंग में तो टू एम्पियर और ई का मान यहाँ पर कितना दिया है अभी देखें नब्बे वोल्ट की सप्लाई पर जलानी पर तो यहां पर जो ई का मान दिया है वो दिया है नाइन्टी वोल्ट तो नाइन्टी अपोन परिपथ का टोटल प्रतिरोध कितना है यहाँ पर आर एल प्लस आर एल प्लस आर और आर एल का मान ऊपर निकाल दिया हमने फिफ्टीन और प्लस यहाँ पर आर अननोन प्रतिरोध है तो अब क्या करेंगे सिंपली हमें क्या करना है इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो जैसे क्रॉस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा थर्टी और प्लस आ जाएगा टू आर इजगल टू क्या हो जाएगा हमारा नाइन्टी अब थर्टी को इधर भेज दीजिए तो थर्टी को जैसे इधर भेजेंगे तो टू आर इजगल टू क्या होगा नाइन्टी माइनस थर्टी यानी कि यू विल गेट सिक्सटी तो यहाँ से आर का मान क्या निकल के आएगा सिक्सटी अपॉन टू और काट दीजिए इसको तो क्या आ जाएगा हमारा थर्टी ओम तो यानी कि हमारा जो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में जुड़ने वाला जो प्रतिरोध है उसका मान निकल के आया हमारा कितना 60 ओम यही हमारे से पूछा गया था तो दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन तो उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम समझ रहे होंगे और यदि आपको क्वेश्चन एकदम समझ आ रहे हैं तो वीडियो को आप शेयर करते रहिए वीडियो को शेयर करने में कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जितना आप स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे जितना आप स्टूडेंट्स को इस वीडियो सेशन से जोड़ेंगे तो उतने ही स्टूडेंट्स इस को इसका लाभ पहुँचेगा तो आपकी डिमांड पर ही वीडियो लाई गई है क्योंकि आपने बोला था तो इसलिए मैं वीडियो को लेकर के आया हूँ तो चलिए स्टूडेंट्स फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो और दो में क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो सेशन में लिया है तो देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन एक सेल से 0.5 पॉइंट धारा लेने पर उसका विभांतर 1.8 वोल्ट तथा 1 एम्पियर धारा लेने पर Uh, 1.6 वोल्ट हो जाता है विभांतर तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए देखिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है और इसका इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स निकालना है ईएमएफ e निकालना है तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले जो जो चीज़ हमें दी है वो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है हमारा यानी कि क्या क्या चीज़ें दी है तो क्या क्या दिया है भाई सबसे पहले हमें दिया है आई का मान आई का मान दिया है जीरो पॉइंट फाइव एम्पियर जब 0.5 पॉइंट मान दिया है तब उस समय वोल्टेज का मान कितना है तो तब उस समय वोल्टेज का मान है 1.8 पॉइंट वोल्ट कितना है 1.8 पॉइंट वोल्ट लेकिन यदि यहाँ पर देखा जाए कि जब हमारा मान दिया है आई का मान आई का मान दिया है वन एम्पियर तो उस समय उस समय वोल्टेज का जो मान है वो दिया है 1.6 वोल्ट कितना दिया है 1.6 वोल्ट तो अभी देखें हम जानते हैं क्या जानते हैं फॉर्मूला V और E का जो रिलेशन है वो हम जानते हैं कि V इजगल टू ई माइनस आई आर होता है V इजगल टू ई माइनस आई आर तो सबसे पहले इसको मैं इक्वेशन नंबर एक लिख लेता हूँ और इक्वेशन नंबर एक में सबसे पहले पहली वाली वैल्यू को पुटअप कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पर वी का मान क्या होगा वन पॉइंट एट तो वन पॉइंट एट वोल्ट इजगल टू ई e होगा हमारा क्योंकि ई e की वैल्यू नहीं है हमें पता तो ई e इजगल टू e होगा माइनस आई का मान हमें पता है जीरो पॉइंट फाइव एम प्यर और यहाँ पर आर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमें ज्ञात करनी है और विद्युत भाग बल दोनों ज्ञात करने हैं तो दोनों अननोन है इसको इक्वेशन नंबर टू लिख लेते हैं अभी देखिए अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारी अब आई का मान क्या हो जाएगा वन एम v का मान क्या हो जाएगा 1.6 पॉइंट वोल्ट तो अब की बार आ जाएगा यहाँ पर 1.6 पॉइंट सिक्स वोल्ट e टू ई माइनस यहाँ पर i का मान होगा 1 एम्पियर कितना होगा 1.0 पॉइंट एम्पियर और यहाँ पर r का मान आ जाएगा इसको इक्वेशन नंबर थ्री लिख लेते हैं अब क्या करेंगे हम समीकरण नंबर एक और दो और तीन को क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्या करेंगे समीकरण समीकरण दो व समीकरण तीन को हल करने पर समीकरण तीन को हल करते हैं हल करने पर अब देखिए जैसे हम इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा मान लिया यहाँ पर माइनस कर देते हैं ऐसे यहाँ पर एक डंडा खींचेंगे और इस तरह से यदि मैं चलो यहीं पर ही दिखा देता हूँ ये हमारा माइनस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ से देखिए ई से तो ई आपका यहाँ पर कट जाएगा तो ये माइनस हो गया कितना बचेगा ये हमारा बचेगा जीरो पॉइंट टू और जीरो पॉइंट टू इज टू यहाँ देखे इस वन में से ये घट जाएगा यानी कि हमारा जीरो पॉइंट फाइव क्या आ जाएगा आर आ जाएगा तो जैसे जीरो पॉइंट फाइव आएगा तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो पॉइंट टू अपॉन जीरो पॉइंट फाइव पॉइंट से पॉइंट ख़त्म तो यहाँ देखें पॉइंट लगाएंगे एक जीरो बढ़ाएंगे और फाइव फोर जाए यानी कि पाँचों के बीस कितना आ जाएगा हमारा जीरो पॉइंट फोर ओम तो हमने छोटे आर की वैल्यू यानी कि हमने इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है जो कि हमारी आई जीरो पॉइंट फोर आ, ओम अभी हमें विद्युत वाहक बल की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 0.4 जो है ये हमारा आर की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर दीजिए तो यहाँ देखिए इसमें यदि पुट अप करते हैं तो 1.8 पॉइंट एट इजल टू ई माइनस यहाँ पर 0.5 और आर की वैल्यू भी क्या है हमारी 0.4 है तो इस तरह से यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा हमारा यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी अब देखिए यहाँ पर वन इज इक्ल टू क्या होगा e माइनस इसकी मल्टीप्लाई करो पाँच चौके कितना हो जाएगा बीस और बीस मतलब पॉइंट कहाँ आएगा दो स्थान पर और ये चला जाएगा इधर तो जैसे ये इधर जाएगा तो ईजल e टू कितना हो जाएगा वन पॉइंट एट और पॉइंट टू मिल कर के हो जाएगा टू वोल्ट कितना हो जाएगा आपका टू वोल्ट तो इस तरह से हमारा जो विद्युत वाहक बल का मान आया टू वोल्ट हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का मान आया जीरो पॉइंट फोर ओम तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर पाए हैं जो कि हमने क्वेश्चन जो कि हमें दिया गया था और पूछा गया था 2015 और 2016 के बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो सेशन में लिया है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन किचॉप्स के करंट लॉ पर आधारित है और जो कि मैंने आपको बताया भी था तो इसमें क्या होता है देखे क्रचोप्स का करंट लो का करंट लो तो यह होता है कि किसी भी यानी कि जो विद्युत धारा परिपथ की यदि किसी संधि पर यानी कि विद्युत धारा परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है यानी कि सिग्मा सिगमा का मान क्या होता है जीरो होता है यह हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है दोनों तरह से इसको बोल सकते हैं तो देखिए यहाँ पर अभी इसमें हम क्या करना है सिंपल थोड़ा सा आपको कुछ नहीं करना है बहुत ही आसान क्वेश्चन है और देखे दो बार पूछा गया क्वेश्चन है 2017 और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पर देखे सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा यहाँ पर बिंदु P दिया है उसके बाद हमारा क्या दिया है बिंदु Q दिया है और उसके बाद हमारा बिंदु क्या दिया R दिया है तो ये हमारा क्या है ना संधि है दिस इज आवर जंक्शन तो जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग जंक्शन से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है सिंपली हम जानते हैं कि का फर्स्ट लो फर्स्ट लो यानी कि करंट लो तो यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले पी बिंदु पर देखेंगे कि बिंदु पी पर जो धारा I1 का मान है वो निकाल लेते हैं जो इससे बाहर जा रही है ना उसका मान तो देखिए यहां पर बिंदु पी पर तो बिंदु पी पर I1 तो बिंदु पी पर I1 क्या होगा देखो I1 का मान क्या होगा आ कितनी रही है हमारी धारा दो एम्पियर तो दो एम्पियर तो हमारी धारा आ रही है और प्लस दो एम्पियर इधर से आ रही है तो दो एम्पियर ऐड हो जाएगा और जागित नहीं रही है हमारी धारा आउट कितनी जा रही है वन एम्पेयर तो वन माइनस हो जाएगा तो इसका मतलब आई वन की जो वैल्यू आई वो आएगी हमारी तीन एम्पियर कितना थ्री एम्पियर तो इस तरह से हमारा पी वन पर आएगा आई वन का मान कितना आ गया थ्री एम्पियर अभी देखिए बिंदु क्यू पर कैलकुलेट कर लेते हैं जो बिंदु क्या है हमारा क्यूँ तो Q पर I2 का मान निकालेंगे कि I2 कितनी है तो यहाँ से I1 कितनी आ रही है हमारी तीन एम्पियर तो तीन एम्पियर क्या होगी हमारी प्लस की और यहाँ से जा कितनी रही है हमारी वन एम्पियर तो वन एम्पियर हमारी जा रही है तो इसका मतलब कितने एम्पियर की धारा आई टू का वैल्यू आ जाएगी आई टू की वैल्यू आ जाएगी दो तो एम्पियर. अब देखिए बिंदु आर पर कैलकुलेट कर लीजिए बिंदु आर पर तो बिंदु आर पर किसका मान कैलकुलेट करना है यहाँ पर देखो I आई का मान कैलकुलेट करना है तो आई इजगल टू क्या होगा अब आर पर आ कितनी रही देखो आई टू का मान क्या है दो एम्पेयर आ रही है तो दो तो प्लस की होगी अब दो से जा कितनी रही हमारी और इधर से इधर से भी एक एम्पेयर आ रही है तो ये भी ऐड हो जाएगी लेकिन जा कितनी रही है यहाँ से वन पॉइंट टू एम्पियर की धारा जा रही है तो देखिए कितना बचेगा यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा थ्री एम्पियर की धारा और माइनस इसमें से वन पॉइंट टू चला जाएगा तो हमारा कितने एम्पियर की धारा बचेगी वन पॉइंट एट एम्पियर बहुत ही आसान क्वेश्चन है यदि आपने बेसिक चीज़ों को समझ रखा है तो इन न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं रखा है तो केवल और केवल आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए यदि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी कर पाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं लेकिन उससे पहले आप वीडियो सेशंस को भरमार तरीके से शेयर करते रहिए क्योंकि आप जितने स्टूडेंट्स को जोड़ पाएंगे उतने उन्हीं सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो का लाभ पहुंचेगा तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर फाइव को लेते हैं और वीडियो काफ़ी लंबा ना हो तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो सेशन में नहीं लिया है क्योंकि ज़्यादा वीडियो क्वेश्चंस को यदि मैं ले लेता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और काफ़ी मेमोरी कंजप्शन यानी कि फ़ोन की मेमोरी कंजप्शन हो जाती है तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव को देखे क्वेश्चन नंबर फाइव भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं कि दो में पूछा गया क्वेश्चन है तो देखो क्वेश्चन नंबर फाइव तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फाइव में आप यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है कि तांबे के तीन तारों के दर्माण क्रम से क्या दिया है एक अनुपात तीन अनुपात पाँच के अनुपात में दिए गए हैं यानी कि वन रेशो थ्री रेशो फाइव के अनुपात में है तथा उनकी लंबाइयों का रेशो दिया है फाइव रेशो थ्री रेशो वन के अनुपात में हैं उनके विद्युत प्रतिरोधों में क्या अनुपात होगा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो हम लिख लेते हैं क्योंकि जो गिवन पार्ट होता है मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले जो भी गिवन पार्ट है उसको हम लिख लेते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिया है हमें दिया है एम वन अनुपात एम टू अनुपात एम एम थ्री तो ये दिया हमें वन रेशो थ्री रेशो फाइव तो यहाँ पर वन रेशो यहाँ पर रेशो का निशान है वन रेशो थ्री रेशो फाइव तो इसी तरह से हमें एल वन रेशो एल टू और रेशो का मान दिया है एल थ्री के साथ में ये दिया है हमारा फाइव रेशो थ्री रेशो वन तो इस तरह से ये दिया है अब देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं अब फार्मूला जानते हैं वो फॉर्मूला क्या है हमारा जो कि हमारा विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध का रिलेशन है ये मैंने आपको बताया है कि देखो क्या रिलेशन होता है ये होता है हमारा आर इजगल टू रो एल अपोन ए ये हमारा रिलेशन होता है तो इसमें क्या होगा इसमें एक चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि मैं यहाँ पर ए की वैल्यू निकालूँ यानी कि जो एरिया होगा तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं ए की वैल्यू तो ए इजगल टू क्या होगा एम अपोन एल डी एम अपोन एल डी तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा लंबाई एल मतलब लंबाई और डी उसकी डेंसिटी एम मतलब उसका मास A मतलब एरिया तो ये भी इसका सूत्र होता है तो इस सूत्र को यदि मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ तो आप देखें यहाँ पर क्या हमारा एक फॉर्मूला बन के आएगा कि आर इजगल टू हमारा फॉर्मूला बन के आएगा यहाँ पर देखिए आप सीधा मैं इस ए की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ तो जो नीचे का पोर्सन है वो ऊपर आ जाएगा तो यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा आ, यहाँ पर देखेंगे रो एल अपॉन इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो ये आएगा आपका हमारा एम और ये ऊपर पहुँच जाएगा हमारा एल डी एल डी ऊपर पहुँच जाएगा तो इधर से आ जाएगा आपका रो एल स्क्वायर डी अपोन क्या हो जाएगा हमारा एम अब देखिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले देखो हमारे तीन तार हैं कितने तार हैं हमारे तीन तार हैं तो तीनों तारों के लिए अलग अलग हम इसको लिख लेते हैं तो देखिए सपोज मैंने आर वन पहले तार के लिए लिखा तो यहाँ पर रो तो सेम रहेगा यहाँ पर डी उसका डी भी सेम रहेगा और एल वन का यानी कि लंबाई चेंज हो जाएगी क्योंकि लंबाई अलग दी है तो यहाँ पर होगा एल वन का स्क्वायर और अपोन एम वन भी हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि एम वन भी अलग दिया है यहाँ पर एम वन आ जाएगा इसी तरह से आर टू की वैल्यू क्या आएगी रो सेम है और डी सेम है तो रो डी एल टू स्क्वायर अपोन यहाँ पर आ जाएगा आपका एम टू इसी तरह से आर थ्री का मान क्या आ जाएगा रो डी एल थ्री का स्क्वायर और अपोन आ जाएगा हमारा एम थ्री तो अभी हमें देखो हमें R1, R2, R3 का तो रेशो निकालना है तो कर दीजिए यहाँ पर रेशो तो कैसे लिखेंगे भाई आर वन रेशो आर टू और रेशो आपका क्या हो जाएगा आर थ्री इजिकल टू क्या होगा देखिए यहाँ पर जब रेशो निकालेंगे तो समान चीज़ें क्या होती है कट जाती है तो सीधा हमारा रेशो किसके अंदर आएगा एल वन स्क्वायर अपोन एम वन रेशो एल टू स्क्वायर अपोन एम टू रेशो एल थ्री स्क्वायर अपोन एम थ्री तो इस तरह से हमारा आएगा तो अभी हमें क्या करना है भाई अभी हमें कुछ नहीं करना है सीधी सीधी वैल्यू पुट अप कर लेनी है जैसे हम वैल्यू पुट अप करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए क्या आएगी वैल्यू कि यहाँ पर हमारा L1 की वैल्यू क्या आई हमारी L1 वन के हमारे हमें जो मान दिया है उसी हिसाब से यहाँ पर लिख लीजिए L1 हमारा क्या है फाइव और M1 का मान दिया है वन तो यहाँ पर आएगा फाइव का स्क्वायर यानी कि ट्वेंटी फाइव और वन का तो वन हो ही तो सीधा इसके बाद हमारा क्या होगा L2 का मान यहाँ पर क्या दिया हमारा L2 का मान हमारा थ्री दिया और एम का मान भी थ्री तो थ्री से थ्री कट जाएगा तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये ऐसा लिखिए कि थ्री का स्क्वायर कर दीजिए पहले एक और यहाँ पर फाइव का स्क्वायर किया तो 25 आ गया 25 अपॉन एक लिख लो पहले चलो आपको कन्फ्यूजन ना हो मैं लिख देता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री का स्क्वायर अपॉन थ्री आ जाएगा फिर रेशो का मान क्या आएगा यहाँ पर वन का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा वन का स्क्वायर अपॉन आ जाएगा फाइव यानी कि एल अपॉन एम एल अपॉन एम देखिए ये वाला एल अपॉन एम एल अपॉन एम ये करना है तो अब देखिए यहाँ पर क्या निकल के आया यहाँ पर आ, आ जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव रेशो यहाँ से थ्री से थ्री कटेगा यानी कि थ्री आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा वन बाई फाइव क्या आ जाएगा वन बाई फाइव इसको यहाँ पर आप यदि फाइव यानी कि इसका एल्शियम लेके इसको मल्टीप्लाई यानी कि फाइव की सभी में मल्टीप्लाई करें तो आपका ये आ जाएगा वन ट्वेंटी फाइव रेशो फिफ्टीन रेशो फिफ्टीन रेशो वन तो इस तरह से आपका आंसर आएगा हमारा जो कि आपका विद्युत प्रतिरोधों का जो अनुपात आएगा आर वन रेशो आर वन रेशो आर टू रेशो आर थ्री का जो मान आएगा वो आएगा हमारा 125 अनुपात 15 अनुपात एक और ये होगा हमारा आंसर उम्मीद करता हूँ कि एकदम आपको समझ आ गया होगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था केवल केवल आपको फॉर्मूले की सहायता से एक नया रिलेशन निकालना था और जैसे हम नया रिलेशन निकाल लेते हैं और उसके बाद हमें वैल्यू पुटअप करनी है और सीधे सीधे इसका आंसर आ जाता है तो अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन के बाद हम वीडियो का यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि क्या है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है जिसके कारण काफ़ी मेमोरी कंजप्शन होता है और उसको अपलोड करने में भी हमारा हमें काफ़ी परेशानी आती है तो इसके लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा सिक्स नंबर का क्वेश्चन होगा तो सिक्स नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा देखिए यहाँ पर सिक्स नंबर का क्वेश्चन क्या है कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया यदि प्रतिरो परिपथ में धारा 0.5 पॉइंट है तो, जु तो इससे जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो जो चीज़ हमें दी है वो वो चीज़ हम लिख लेते हैं और उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन को कर पाएंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है हमें दिया है ई e का मान क्या दिया है जो भी गिवन है ना जो भी हमें दी गई राशि है वो क्या है सबसे पहले ई e का मान विद्युत बल कितना मान दिया है बारह वोल्ट सबसे पहले जो जो दिया है वो वो हम लिख लेते हैं उसके बाद आर का मान क्या दिया भाई तीन ओम दिया है और आई का मान कितना दिया हमें वन पॉइंट फाइव का मान दिया है तो जो जो चीज़ दी है वो हमने लिख ली है उसके बाद यहाँ पर हम क्या जानते हैं देखिए एक इंटरनल रिलेशन का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपके रजिस्टेंस के साथ में होता है इंटरनल रजिस्टेंस का रजिस्टेंस के साथ में यानी कि प्रतिरोध का आंतरिक प्रतिरोध के साथ में एक रिलेशन है वो हम जानते हैं कि I इज गर्ल टू ई अपॉन आर प्लस आर होता है ये हमारा एक रिलेशन होता है तो इस रिलेशन से हम इसका मतलब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि हमें कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है तो देखिए यहाँ पर सीधी सीधी वैल्यू सभी की पुटअप कर देते हैं जो जो मान हमें दिया है तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर धारा का जो मान है वो दिया है जीरो पॉइंट फाइव एम्पियर ये करेक्ट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर वन पॉइंट फाइव लिख दिया था ये है आपका जीरो पॉइंट फाइव एम्पियर क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर दिया है जीरो पॉइंट फाइव एम्पियर तो यहाँ पर आइज गर्ल टू ई अपोन आर प्लस आर फॉर्मूला लगा दीजिए तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी जीरो पॉइंट फाइव एम्पियर ई की वैल्यू क्या है हमारी ट्वेल्व वोल्ट है और आर की वैल्यू हमें निकालनी है और छोटे आर की वैल्यू हमें दी गई है यानी कि आंतरिक प्रतिरोध का मान हमें दी गया है तो अभी देखें यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा जीरो पॉइंट फाइव आर प्लस जीरो पॉइंट फाइव की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर वन पॉइंट फाइव एंड दिस विल इक्वल टू ट्वेल्व ये बारह के बराबर हो जाएगा बिल्कुल छोटी छोटी कैलकुलेशन है ये आपको पता भी होगी तो अब यहां देखिए सबसे पहले क्या करेंगे अब हम इसकी वैल्यू निकालनी है ना तो इसको हम इधर भेज दीजिए तो सीधा क्या आएगा आपका जीरो पॉइंट फाइव आर टू क्या होगा ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व माइनस वन पॉइंट फाइव तो जैसे ट्वेल्व माइनस वन पॉइंट फाइव करेंगे तो कितना आएगा टेन पॉइंट फाइव क्योंकि टेन पॉइंट फाइव और कितना होता है ट्वेल्व होता है तो जीरो पॉइंट फाइव आर तो यहां से कैपिटल आर की वैल्यू आएगी टेन पॉइंट फाइव अपॉन जीरो पॉइंट फाइव तो देखिए पॉइंट से तो पॉइंट कट गया और पाँच से इसको काटेंगे तो कितना आएगा पाँच दूनी दस और पाँच छकन पाँच यानि कि इक्कीस ओम कितना आया इक्कीस ओम यानी कि आर की वैल्यू क्या आया ट्वेंटी वन ओम तो दिस इज द रजिस्टेंस जो कि हमें मान जिसका निकालना था तो देखो क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था कि इससे जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा तो ये देखो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था जो भी अभी तक मैंने क्वेश्चन लिए हैं वे सभी किसी न किसी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं यानी कि बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है आपको इस वीडियो सेशन से, से लाभ मिल रहा है तो आप भरपूर रूप से इस वीडियो की लिंक को सभी स्टूडेंट्स के पास में शेयर कर देंगे अपने सभी ग्रुप में शेयर कर देंगे सो so दैट उन सभी स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो का भरपूर लाभ मिल सके और उनकी बेहतर तैयारी हो सके तो और यदि स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट्स को Uh, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को भी आपको प्रेस कर लेना है सो so दैट आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिल पाए तो चलिए स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो मंगलमय हो और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो